जम्मू कश्मीर से इस समय एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस समय जम्मू कश्मीर में कोविड को लेकर यानी कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले हम आपको जो है जेके टाइम्स पे ये अपडेट देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल चाड़कर, आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़। इस समय की जो ताज़ा खबर है, जो इस समय कोरोना कर्फ्यू इम्पोज था जम्मू कश्मीर में, आपको बता दें ये एक्सटेंड कर दिया गया है फर्दर 7 दिन और इसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि आपको बात करें तो मंडे 17/5/2021 यानी कि 17/5/2021 यानी 17 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है, सोमवार सुबह 7 बजे तक। बहुत ही यानी कि इसमें एक बात और अहम है, एक बार मैं फिर बता दूं कि मंडे को यानी कि मंडे 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है, 17 मई 2021 तक, यानी कि आज से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, 7 दिन और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी खबर है, यानी कि कोविड के जो केसेस सामने आ रहे हैं, लगातार मृत्यु होती जा रही है, उसको मद्देनज़र देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें इस समय और इसमें जो है एक और भी इसमें जो है कोरोना कर्फ्यू में जो है इसको स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाएगा। और साथ में आपको बता दें कुछ एसेंशियल सर्विसेज को यहाँ पे जो है छूट ज़रूर मिली होगी, लेकिन उसका अभी जो है फर्दर जो है आर्डर आने वाला है, क्या क्या एसेंशियल सर्विसेज में छूट दी जाती है वो अभी आपके सामने आएगा। आपको बता दें इसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया है, यानी कि आप जो है सोशल गैदरिंग को कम करने की कोशिश की गई है। ट्वीट के माध्यम से DPIR J&K की ट्वीट जो है उसके माध्यम से ये पूरी जानकारी मिली है और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और आपको बता दूँ इसमें जो है जो शादी विवाह के मतलब की गैदरिंग है उसको परमिसिबल कर दिया गया है। पहले जो है इसमें जितनी इसमें अलो थे लोग जो है शादी में, अब जो है घटा के 25 कर दिए गए हैं। यानी कि आप शादी के फंक्शंस में आपको खाली 25 लोगों को इनवाइट करना होगा, यानी कि 25 लोग से ज़्यादा जो है शादी में ब्याह के फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे। काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है इसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं यानी कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो कोविड-19 के हालात बने हुए हैं उसको मद्देनज़र देखते हुए लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है आए दिन जो है देखने को मिलता है कि जो फैसलों में है जल्द से जल्द जो है अपना निर्णय ले रहा है, ताकि जो है इस चेन को तोड़ा जाए, इस ट्रेन को तोड़ा जाए और जो है कोविड के केसेस जो कम हों उससे। यही एक जो तरीका जो है इन्होंने अपनाने की कोशिश, और लग भी रहा था कि जम्मू कश्मीर में लगातार यानी कि कोविड की केसेस बढ़ने के कारण जो है मांग लगातार जारी थी कि इसको जो है कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया जाए। कल जिस प्रकार से हमने एक इंटरव्यू भी किया था, एक सरपंच साहब का भी कहना था कि जनाब इसको जो है एक्सटेंड कर दिया जाए टिल मतलब कि एक वीक कम से कम, तो यानी कि प्रशासन जो है काफ़ी मुस्तैद है और अपने जो है फैसले वो ले रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर का आगे का जो अब सिनेरियो है, अब मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन यानी कि कहें तो कोरोना कर्फ्यू इम्पोज्ड इन ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टिल 7 AM ऑन मंडे, यानी कि जो मंडे 17/5 यानी 17 मई 2021 तक मंडे 7 बजे तक सुबह जो है कोरोना कर्फ्यू रहेगा। एंड द कर्फ्यू विल स्ट्रिक्टली जो ये कर्फ्यू है इसको स्ट्रिक्टली जो है इम्पोज कर दिया गया, लेकिन साथ साथ में जो है सेंसर सर्विसेज में कुछ राहत ज़रूर दी जाएगी। और उसके लिए जो है अभी जो फर्दर जो ऑर्डर आएगा उसको भी जो है हम आपके साथ जो है साझा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि लगातार जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इस समय हालात बने हुए हैं उसको मद्देनज़र देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन यानी कि LG गवर्नमेंट जो है ये फैसला लेने पे आखिरकार जो है लगातार विचार कर रहे थे, और आज जो है इन्होंने एक लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया यानी कि कोरोना कर्फ्यू एक्सटेंड कर दिया 7 दिन के लिए। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए जेके टाइम्स के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।